बसमीमैक्म डर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि द प्रिंस एंड द सोल्जर वर एट द रॉन्ग साइड्स ऑफ द गेट दे वर एट द रॉन्ग साइड्स ऑफ द गेट वो दरवाजे की गलत अतराफ में थे यानी कि प्रिंस और सोल्जर सोल्जर को बाहर होना चाहिए था और प्रिंस को अंदर जबकि प्रिंस को उन्होंने टॉम समझ कर बाहर निकाल दिया और उसके बाद क्राउड चेस्ड हिम थ्रू द स्ट्रीट्स लाफिंग एंड शाउटिंग एट हिम अब उस पर चला रहे थे हंसी मजाक उड़ा रहे थे उसका और पहले तो प्रिंस ने बड़ी कोशिश की कि वो किसी न किसी तरह जो है वो अपने आप को डिफेंड करे बचाए लेकिन आखिरकार वो थक गया और फिर एट द एंड जो है वो जो क्राउड था जो हजूम था इट वाज ऑल्सो टायर्ड वो भी थक चुका था तो उन्होंने आखिरकार जो है उसको चेज करना उसका पीछा करना बंद कर दिया एंड लेफ़्ट में लोन और उसको अकेला छोड़ दिया और चले गए अब उसके बाद जब प्रिंस अकेला था ही वॉज़ ऑल अलोन बाई हिम सेल्फ अब वो इधर उधर देखने लगा ही लुकड अराउंड हिम ही डिड नॉट नो वेयर ही वॉज उसे नहीं मालूम था उसको नहीं पता था कि वो कहाँ था ऑल दो ही वॉज़ टेरिबली टायर्ड चाहे वो बुरी तरह थक चुका था टेरिबली बहुत ही ज़्यादा शदीद थक चुका था ही वॉज़ अफ्रेड टू लाई डाउन लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खौफजदा था कि वो कहीं लेट जाता ही डिड नाट फील सेफ़ उसको कहीं पर भी महफूज नहीं लग रहा था उसको हर जगह अनसेफ लग रहा था गैर महफूज महसूस हो रहा था वो कम्फर्टेबल नहीं था ही हैड निन डेली अलोन इन हिज लाइफ वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह अकेला नहीं हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा अकेलापन एकदम महसूस करने लगा देन ही सो आ ग्रेट बिल्डिंग लॉन्ग वे अवे लेकिन फिर क्या हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी सी बहुत यूज सी बिल्डिंग देखी इमारत देखी लेकिन वो थी दूर लॉन्ग वे अवे बहुत ही ज़्यादा दूर थी आई नो दैट प्लेस मुझे इस जगह का पता है ही सेट टू हिमसेल्फ उसने अपने आप से कहा इट इज़ क्राइस्ट चर्च ये क्राइस्ट चर्च है ये चर्च का नाम है इसीलिए दोनों फर्स्ट जो वर्ड्स हैं लेटर्स हैं वर्ड्स के वो कैपिटल हैं प्रॉपर नाउनस इट वॉज़ अ चर्च लॉन्ग अगो ये जो है वो चर्च थी एक अर्सा पहले एंड देन माई फादर मेड इट इन टू अ होम फॉर पुअर चिल्ड्रेन पहले तो ये चर्च थी लेकिन फिर उसके वालद ने क्या किया था कि उसको घर बना दिया था गरीब बच्चों के लिए उस चर्च को घर बना दिया गया था देर दे आर वेल लुक्ड आफ्टर जहाँ पर उनको सही तरह देखभाल मिलती है जहाँ पर उनको सही तरह ख्याल रखने वाले मिलते हैं उनका ख्याल किया जाता है उनकी देखभाल की जाती है ग़रीब बच्चों की एंड दे आर टॉट टू रीड एंड और उनको पढ़ाया जाता है क्या उनको सिखाया जाता है पढ़ाया जाता है लिखना और पढ़ना वहाँ पर वो लोग सीखते हैं आई विल देयर मैं वहाँ जाऊँगा अब आखिरकार प्रिंस को जो है एक बेहतर जगह नज़र आ गई थी उसे लग रहा था कि वो शायद वहाँ पर जाकर जो है वो कुछ हेल्प ले सकता है वो लोग शायद उसकी हेल्प कर दें दे विल बी काइंड टू मी वो मेरी मदद करेंगे बिकॉज़ माई फ़ादर वॉज़ गुड टू देम क्योंकि मेरे वालद ने उनका फ़ायदा किया था और मेरा वालद जो हैं वो उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आए या उनके साथ अच्छा किया उनकी भलाई के लिए काम किया अब प्रिंस ने यह डिसाइड कर लिया और उसने अपना सफ़र जो है वो चल पूरा करना शुरू किया उसने चलना शुरू कर दिया द पीपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च क्राइस्ट चर्च के जो शागिर्द हैं पीपल्स स्टूडेंट्स शागिर्द स्लोली आहिस्ता आहिस्ता ऑन हिज टायर्ड फीड अपने थके हुए पाँवों पर यंग प्रिंस वेंट टूवर्ड्स द ग्रेट बिल्डिंग अपने थके हुए पाँवों पर बिल्कुल ही हिम्मत ख़त्म होने वाली थी लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी जो छोटा प्रिंस था वो आहिस्ता आहिस्ता अपने छोटे छोटे कदमों के साथ थकी हुई हालत में जो है वो उस ग्रेट बिल्डिंग की तरफ बड़ी सी इमारत की तरफ़ बढ़ने लगा सोन ही क्राउड ऑफ स्कूल बॉयज़ और जल्द ही उसने जो है वो स्कूल बॉयज़ का स्कूल के लड़कों का क्राउड देखा हजूम देखा अब प्रिंस ने इतना लंबा सफ़र तय किया आखिरकार उसको थोड़ा बहुत करीब वो पहुंच ही गया था उसको वो बच्चे भी नज़र आने लगे और उसे एक उम्मीद की किरण जो है नज़र आ रही थी ही वॉज़ होपिंग दैट दे ऑल विल हेल्प हिम उसे लग रहा था कि वो सब जो है उसकी मदद करेंगे क्यों क्योंकि ही वॉज़ किंग्स सन वो किंग का बादशाह का बेटा है एंड हिज फादर वॉज गुड टू दैम और उनका जो वाल था वो उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आया था आज के लिए इतना ही रिडीडो दी लेसन कम्पलीट योर नोटबुक्स टाइमली मीटिंग द नेक्स्ट ने मीटिंग अल्लाह हाफिज़